अभी मेरा काला खान नाम है, काला खान। काला खान ये रहता है ये झोपड़े मेरा, आपको ये झील तबरूपी बाजी है चौरी सुना रही हैं। जिस दिन झील का नाम रखी गई है, शहर मित्र का शहजादा था, मित्र का था, उसको ख्वाब में ये मलका पर्वत चोटी और ये झील ख्वाब में नजर आया शहजादे को मित्र में। उसने अपने वालिद को पूछा बादशाह गुरु की मैं वहाँ एक पहाड़ी और एक झील देखा, झील के ऊपर परी है, उसका नाम है मलका बदर जमाल। समझ आ रही है ना, परी का नाम था मलका बदर जमाल। बादशाह ने बोला कि है शहजादी परी जो है जिन्हात चीज है, जिन्नी है, आप जो है खाकी है, मिट्टी पैदाश है, आदम दादी आपके कब्जे में, वहाँ परी नहीं आ सकती, परी नारी चीज है, जिनात चीज है, आपके कब्जे में परी नहीं मिल सकती। शहजादा कुदरत से एक भी अफान जंगल था, पहाड़ उसके अंदर घूमता रहा, तलाश करता रहा, एक साल बाजी उसका गुजर गया मिस्र के अंदर। कुदरत से उसको एक बुजुर्ग मिल गया वली अल्लाह, वली को जानती हूँ, जो अल्लाह का वली होता है प्यारा होता है, वो मिल गया उसकी मदद में, सलेमानी टूपी मिल गई। सलेमानी टूपी के अंदर क्या होता है जिनात, उसके कब्जे में बंदा गायब हो जाता है। मिली वो टोपी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे मजार दी, तो मिली ये टोपी हर जगह तो नहीं मिल सकती। अच्छा उसकी बात है ये शहजादी को टोपी मिली, उस ख्वाब दे बिच बाजी हुक्म हो गया ख्वाब में, रात को सेंधा ख्वाब आ जुटी है, उसका कोकाफ था हुक्म हो गया। कोकाफ जो है रूस का पास है चेचनिया में, हाँ रशिया में, ग्यारह साल घूमता रही है तलाश करता रही है। ग्यारह साल बाद उसने अल्लाह के दुआ मंगी कि अल्लाह मैं कितनी सर्दी, कितनी मुसीबत, कितनी तकलीफ देखी, फिर भी जिनात चीज मेरे कब्जे में नहीं आ रही। कुदरत से उसको ख्वाब दे बिच हुक्म होया कि मलका पर्वत जो झील बनाऊंगा, झील के ऊपर चांद दी चौदहवीं रात को परियां नहाने के लिए आनी हर चौदहवीं में। वो तो जिनात ठाए हम बाजी के दौरान करता रही है, आगे छोटी पहाड़ी है इसकी बैक साइड, और उन्हें जिन्होंने बताया कि 40 दिन का चिला काट, 40 दिन उसने चिला कटिया, 40 दिन बाद उसने अल्लाह के दुआ मंगी कि अल्लाह में कितनी सर्दी, कितनी मुसीबत, कितनी जहाँ तकलीफ देगी, फिर भी परी जो है हमारी कब्जे में नहीं आ रही। गुजरू से एक रोड डिठा चांद दी चौथी रात आती झील के अंदर परी नहा रही थी, छत पर के नहा के अपना ताज लगा के उठ रुकिया चली गई। शहजादा परी के सामने आया, परी ने बोला कि है मेरा मालिक जो है जियो सफेद है, जिये के नाम ही क्यों पकड़ो, वो आया आपको भी खत्म करती और मुझको भी खत्म कर दी थी। उसने बोला मैं बहुत मेहनत काटी, सर्दी काटी, मुसीबत काटी, आज छोड़ के नहीं जाना। अच्छा परी रह के चली गई, रवाना हो गया। दूसरियां परियां नहीं जी, दो सात परियां आज के उन्होंने जाकर दियो सफेद को बताया कि मलका बदर जमाल झील के ऊपर से परी गायब हो गया, की पता झील के अंदर डूब कर मार गई, किसी चीज ने ठा खड़ी, बहुत तलाश की थी और परी नहीं मिली। अच्छा जिन आ गया देव आया गुस्से में, ये पहाड़ी जगह हरी बाजी की ये तोड़ी है देव ने, वो जमाने में जेड़ा लाल होटल है ये पहाड़ी बंद थी, ये पानी रहता उधर से आता, ये जरा गैप नजर आ रही है ना छोटी पहाड़ी के दरमियान, ये पानी ऊपर से जाता आता इन्हें पहाड़ा के नीचे, जिधर मेरा चोपड़ा ये ऊपर ये पानी था सब झील था, वो पीछे इन्हें पहाड़ा के नीचे सब पानी था, ये तोड़ी है ना आराम ही अगर परी जानी है शहजादा जाना पीछे लैंड स्लैंडिंग जा पहुंची। शहजादे ने पनाह लाई है नीचे, अल्लाह के दुआ मंगी कि अल्लाह तू बचा दे। कुदरत से उस रात जो था पानी दाई तरफों बाई तरफों गुजर गया और जमीन पहाड़ फाड़ के अंदर एक सुरंग बन गया, घर बन गया, उसमें परी भी चली गई, शहजादा भी चली गया। अभी भी जाके देख लो घर मौजूद है नीचे ना आराम ही, जो सब रंगलू को होटल है ये तो पिटी डी थी में गड्डियाँ जानी पार, दो पुल लगे थी तली पुल दी नाल बोर्ड लगा थे, 5 मिनट लगती हूँ घर दी उतर गई, महल की लाइट नहीं चलती, नवी टार पे सेल पा के लह के जाओ, रोशनी अंदर बंद हो जुड़ती, रोशनी काम ना करती, रोशनी लाओ अच्छा। रोशनी लाइट काम नहीं करती, लाइट बंद हो जाती है, अपे बंद हो जाती, हाँ नहरा ही नहरा नजर आता, नहरा ही नहरा आता भाजी। फिर उसकी बात दियो सफेद लाश करता, 5 मिनट लगती आना जाना, वो बाहर थी उसे जाऊँ ना नवी सेल पा के लह के जाऊँ, उसे 5 मिनट लगती आना जाना, सफर ब्लू होटल की नीचे है गए, 5 मिनट लगती आना जाना। फिर उसकी बात दियो सफेद लाश करता करता जलखट तक गया,
ਦਿਲਖੜ ਮੀ ਆਪਣਾ ਪਾਉ ਮਾਰੀ ਔਰ ਪਿਆਲਾ ਝੀਲ ਬਣੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਉਤਾ ਖੁਦ ਕਹੀ ਤੇ ਦੌਰ ਤੇ ਦਿਓ ਨੇ ਪੱਥਰ ਫੇਂਕਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦਿਓ ਸਹੀ ਨਾ ਹੈ ਦਿਓ ਸਹੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਕਰਦੂ ਸਾਈਡ ਮੇ ਪਲੇਨ ਮੇ ਉਹ ਦਿਓ ਸਹੀ ਮੇ ਦਿਓ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੋ ਪਰੀ ਕਾ ਮਾਲਕ ਥਾ ਜੋ ਜਨਾਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕਬਦੀ ਮੇ ਆਸੀ ਜੀ ਨੀਚੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦਿਓ ਮਾਰ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰ ਪਾਓ ਚੱਕਤੀ ਹੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਸੈਫ ਨਾਮ ਥਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਰੀ ਸੈਫ ਉੱਲਾ ਪਰੀ ਕੇ ਨਾਮ ਥਾ ਮਲਕਾ ਬਦਰ ਜਮਾਲ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਕੇ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਕਾ ਪਰਬਤ ਔਰ ਯੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਆਂ ਦਾ ਪਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਯੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਥਾ ਲਾਹੌਰ ਕਾ ਥਾ ਇੰਟੀ ਮੇ ਆਏ 98 ਮੇ ਡੇਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ 5 ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਵਾਰੀ ਕਾ ਥਾ ਚੋਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਚੋਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੇ ਸਾਡੇ 17,000 ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ 17,000 ਔਰ ਪੇਟੂ ਜੋ ਹੈ 39,000 ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਰਾਜਿਦ ਭਾਟ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾ ਜਾ ਸਾ ਔਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਚੱਕਾ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਆਸੂ ਜੀ ਲਓ ਪਹਾੜੀ ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਰੋਈਆਂ 7 ਪਰੀਆਂ ਰੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸੂ ਕਿਰੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਪ ਟਿਪ ਤਾਂ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਸੂ ਕਿਰਦੇ ਤਲੇ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਰੋਈਆਂ 7 ਪਰੀਆਂ ਰੋਈਆਂ ਬਦਰੀ ਜਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਾਂਡੂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਦ ਦੀ ਜੋ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋਈ ਜੀਲ ਦਾ ਫਰਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਤਾਰੇ ਚੂਰੋ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਲਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਦ ਦੀ ਚੌਦਵੀਂ ਰਾਤ ਮੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਚੰਦ ਐਕਸ ਪੈਂਦਾ ਜੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਦੂ ਤਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਦਾਰਾਂ ਬਿਨ ਯਾਰਾਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰੀ ਬਾਗ ਬਗੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰੀ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਕਰ ਤੈ ਅੰਗੂਰ ਚੁੜਾਇਆ ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਰ ਪਰ ਮਛਕਾਂ ਪਾਵੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਣਾ ਉਹ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਟਣਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਖਟ ਲੈ ਸੌਦਾ ਇਸ ਬਜ਼ਾਰੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਚਰ ਜੰਨਤ ਉਹਦੀ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਬਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ